भरी सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और हम आज को आपको ताजा खबर के साथ आपको हमारी वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से आपको नए अंदाज में नए सुबह के साथ आपको नई जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों जानकारी क्या है, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी की जानकारी आपको बताने वाले हैं। साथियों क्या जानकारी है पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले एक निवेदन रहेगा आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी साथियों तक, सभी कर्मचारी भाइयों तक, सहपाठी भाइयों तक हमारी ये वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंच सके। तो जानकारी क्या है हम पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी निकल कर सामने आई जो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश जिसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, जिसे सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 15 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं पोस्ट गार्ड आंदोलन। तो इसका पूरा मामला क्या है और इनकी प्रमुख मांगे क्या है, किस मुद्दे को लेकर के ये अपने मध्य प्रदेश के कर्मचारी यहाँ पर पोस्ट गार्ड आंदोलन करने जा रहे हैं, 15 अप्रैल से करने जा रहे हैं। तो आपको साथियों बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने 53 कलेक्टरों के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। दरअसल बात यह है कि प्रदेश के कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि प्रदेश के कलेक्टर उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों ने न्यायालय में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन न करने वाले कलेक्टरों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई है। तो क्या है, 15 अप्रैल से जो आंदोलन करने वाले हैं उसकी शुरुआत कहां से कैसे होगी बताएं। 15 अप्रैल से पोस्ट गार्ड आंदोलन शुरू होगा। याचिका दायर करने के बाद अब मध्य प्रदेश के प्रदेश कर्मचारी मंच कलेक्टरों के विरुद्ध 15 अप्रैल से पोस्ट गार्ड आंदोलन शुरू करेंगे। पोस्ट गार्ड आंदोलन के तहत प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे। पोस्ट कार्ड आंदोलन से जुड़ी सभी जानकारी हमने इस आर्टिकल के माध्यम से बताई है, आप शुरू से लेकर अंत तक ये जरूर पढ़ें और जरूर देखें पूरा वीडियो, हम आपको बताने वाले हैं। तो कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों का आरोप है कि कलेक्टरों द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का मेडिकल अवकाश लेने पर जबरदस्ती नियम विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति किया जा रहा है, इसलिए ऐसे कलेक्टरों के खिलाफ न्यायालय में सोमवार को याचिका दायर की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है। कलेक्टर द्वारा कर्मचारी विरुद्ध रवैया को देखते हुए कर्मचारी ने पोस्ट कार्ड आंदोलन के माध्यम से जवाब देने का निर्णय लिया है। तो क्या है आंदोलन का पूरा मसला, मामला क्या है आपको बताएंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने कलेक्टरों के द्वारा राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट के नियमों का पालन न करने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कलेक्टर द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के द्वारा मेडिकल लीव मांगने पर उन्हें जबरदस्ती सेवानिवृत्ति किया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों ने यह कदम उठाया है कि साथ ही कर्मचारी मंच कलेक्टर के विरुद्ध 15 अप्रैल से पोस्ट गार्ड आंदोलन शुरू करने जा रहा है। पोस्ट गार्ड आंदोलन के प्रमुख प्रदेश के मुख्य सचिव को हजारों की संख्या में पोस्ट गार्ड लिखा जाएगा। इस आंदोलन में के द्वारा कर्मचारी मंच हजारों पोस्ट गार्ड के माध्यम से कलेक्टरों की तानाशाही से प्रदेश के मुख्य सचिव को अवगत कराएंगे तथा उनसे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के आदेश का पालन कराए जाने की मांग करेंगे। इसके अलावा यह भी मांग करेंगे कि अनिवार्य रूप से किए गए सेवानिवृत्ति को फिर से बहाल किया जाए, वन विभाग के कर्मचारियों जो चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। पोस्ट गार्ड आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।